दोस्तों नमस्कार। मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए लोग अलग अलग तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मार्केट में देखते हैं कि कितना डिलीवरी बेस वॉल्यूम हो रहा है किसी पर्टिकुलर शेयर का, कुछ लोग देखते हैं कि टेक्निकली कौन सा शेयर ओवरबॉट है, कौन सा शेयर ओवरसोल्ड है, कुछ लोग फंडामेंटल्स पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं और कुछ लोग ओपन इंटरेस्ट पे भी ध्यान देते हैं, प्लस कुछ ऐसे लोग हैं जो FIIs की बाइंग सेलिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, FIIs का मतलब हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कंटिन्यूस सेलिंग को हम ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट में मंदा ही मंदा है, या उनकी बाइंग को हम ऐसा मान सकते हैं कि तेजी ही तेजी है? इसमें अलग अलग एनालिस्ट की अलग अलग राय है, बट हमारी ICFM की जो पर्सनल जो व्यक्तिगत राय है वो ये है कि हमें इस पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। इसका कारण है कि अगर हम पिछले 10 या 15 या 20 सालों के इतिहास को देखेंगे तो जब जब मार्केट टॉप पे रही है वहाँ पर FIIs बायर रहे हैं, और जब जब मार्केट का बॉटम बनता है वहाँ पर FIIs सेलर होते हैं। तो किसी भी तरह की विडंबना से बचें, और बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में तेजी मंदी ढूंढने का, FIIs जो है वो एक गलत इंडिकेशन भी हो सकता है। थैंक यू।